हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। अगर आप सभी लोग मात्र इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो सोशल साइंस का, तो आप सभी का इस बार बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर बिल्कुल पक्का है, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप सभी के SST यानी सोशल साइंस के पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बता रहे सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यू आने वाले सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इस बार 101% गारंटी बिल्कुल पक्का आप सभी के पेपर में पूरे के पूरे ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छपे रहेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी लोग 10th सामाजिक विज्ञान में इतने ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आपका पूरा का पूरा 20 नंबर इस बार पक्का है। ठीक है, तो अगर आप सभी लोग भी टारगेट बनाओ कि इस बार आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनना है, तो इसके लिए आप सभी को कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगर हमारे चैनल से आप लोग पढ़ोगे तो आप सभी का ये जो टारगेट है 95% वो बिल्कुल फिक्स है इस बार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो आप सभी के एग्जाम में हर साल आने वाले क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, यानी फ्रांस की क्रांति फ्रांस में कब शुरू हुई थी। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, पहला यहाँ पे 1788 ईस्वी में, दूसरा यहाँ पे 1789 ईस्वी में, तीसरा यहाँ पे सी ऑप्शन 1790 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है 1787 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी वो 5 मई को, ठीक है, कब, 5 मई को, और यहाँ पे 1789 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है फ्रांस, दूसरा है भारत, ठीक है, तीसरा है जर्मनी, और सबसे लास्ट है इटली। तो जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था वो फ्रांस देश से हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन तीसरा है, जितने भी क्वेश्चन है सभी वायरल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, ठीक है, काबूर और मेजिनी। तो यहाँ पे जो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक थे वो ऑप्शन डी यानी मेजिनी थे। ठीक है, और देखिए जितना भी क्वेश्चन बता रहे ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में सोशल साइंस के पेपर में आते हैं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की थी। पहला है ऑप्शन विलियम प्रथम ने, दूसरा है बिस्मार्क ने, ठीक है, तीसरा नेपोलियन बोनापार्ट ने, और चौथा है नेपोलियन थर्ड ने। ठीक है, तो जो जर्मनी के एकीकरण का आधारशिला तैयार किया था सबसे पहले यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट ने तैयार किया था। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है, कब हुई थी। और ऐसे क्वेश्चन आप सभी के मानचित्र वाले, जो मानचित्र भरने के लिए आता है सोशल साइंस में 10 नंबर का, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके मानचित्र में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, पहला है 1885 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में। ठीक है, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है, यानी ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पे पहला है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, C.R. दास, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, और इन्होंने सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, इन्हीं का ही कथन है, इन्हीं का ही नारा था, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है सातवां, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, जिसके कारण, ठीक है, असहयोग आंदोलन हुआ था। तो पहला है रॉलेक्ट एक्ट, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध खिलाफत आंदोलन, और चौरी चौरा घटना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यानी रॉलेक्ट एक्ट के जो मुख्य कारण है वो असहयोग आंदोलन था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई। अब देखिए यहाँ पे जो चौरी चौरा कांड हुआ था ये गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था, सबसे पहले हम आपको बता दें कि गोरखपुर में, ठीक है, कई जो सैनिक थे कई लोग जेल में बंद थे। ठीक है, कई जेल में कई लोग बंद थे, और उसमें क्या हुआ कि
जो ब्रिटिश है यानी ब्रिटिश के द्वारा क्या हुआ कि उस गोरखपुर जो थाना था, जेल था, उसमें पूरा आग लगा दिया गया था। ठीक है, तो वहां पे क्या था कि वहां जो जब आग लगा दिया गया था जेल में, तो वहां पे कई लोग मर गए थे, 100 से लोग घायल थे। ठीक है, आग लगने पर, और 12 जो पुलिस कर्मी थे उनकी मौत हो गई थी जल करके थाने में। तो ये उसी को चौरी चौरा कांड, उसी घटना को चौरी चौरा कांड नामक से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो घटना हुई थी ये कब हुई थी, तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। आर्थिक महामंदी का मतलब कि देश में गरीबी, ठीक है, कब आया था। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें आर्थिक महामंदी किस तरह से आया था, इसमें किस चीज का ज्यादा क्षति हुआ था। ठीक है, तो देखिए आर्थिक महामंदी में क्या था कि जो कृषि उत्पादक थे यानी जो किसान लोग थे उनको काफी ज्यादा घटा हुआ था, क्योंकि आर्थिक महामंदी में क्या होता था कि जो बाहरी देश के व्यापारी आते हैं, ठीक है, वो क्या हुए थे, देश में नहीं आ रहे थे, वो किसानों के साग सब्जियों को नहीं ले जा रहे थे, यानी आयात निर्यात क्या था, बंद हो गया था। तो क्या हुआ कि जो किसानों के सब्जियां थे, सामान थे, उनकी रेट जो है वो कम मिलने लगे, क्योंकि देखिए उनको खरीदने वाले, उनके साग सब्जियों को, ठीक है, कृषि उत्पादकों को खरीदने वाले कम थे, और ज्यादातर मात्रा में जो थे किसान खेती कर रहे थे, ज्यादातर फसल सब्जियों को उगा रहे थे। तो जब खरीदने वाले कम होंगे और जो वस्तुएं हैं यानी साग सब्जी जो भी सामान है वो अधिक होंगी, तो क्या हो जाता, उसके रेट में गिरावट आ जाती है। ठीक है, तो किसानों को क्या हुआ कि उनके सामानों को, उनके साग सब्जियों को, उनके जो भी गेहूं चावल जो भी कुछ है उनके चीजों का रेट जो है वो कम मिलने लगा, रेट में गिरावट आ गया, जिससे किसान जो सोचते थे कि जितना में हम ले जाकर मंडी में इस चीजों को बेचेंगे या दूसरे जगहों पर बेचेंगे, जितना पैसा लगेगा और हमें फायदा भी नहीं मिलेगा, उससे अच्छा कि हमारे घर पर इसी तरह पड़ा रहे। ठीक है, तो क्या होता है, किसानों के ज्यादातर जो चीजें थे वो क्या हो गए, सड़ गए, ठीक है, गल गए, न बिकने के कारण, न बाजार में जाने के कारण, इससे किसानों को काफी ज्यादा घाटा हुई। ठीक है, और ये क्या हुआ कि आर्थिक महामंदी का कारण बन गया। तो ये जो आर्थिक महामंदी हुआ था ये 1929 के आसपास यानी 1929 में ही हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 10वां क्वेश्चन, और देखिए ये जो आर्थिक महामंदी है, ठीक है, और ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान के पेपर में क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आएंगे। ठीक है, 4 नंबर वाले 6 नंबर वाले क्वेश्चन दोनों में ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग तैयार कर लीजिए। इससे पहले हम आप सभी को बता दें एक बार कि हमने पूरा सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को बता चुके हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो हम चैनल पे प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं आप सभी लोग, ठीक है, वहां से सोशल साइंस के प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, या आप सभी लोग सर्च भी करोगे यूट्यूब पर कि हाँ क्लास 10 सोशल साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपना विद्यालय, तो वहां पे भी हमारी वीडियोस आ जाएंगी, वहां से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 10वां क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो ब्रेटन वुड्स नामक संस्था जो है कहाँ पे स्थित है, पहला अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। देखिये जो नदी होती है वो क्या होता है, वो कई जगहों से होकर के आती है। ठीक है, तो यानी खेतों खलिहानों और कई नदियों से होकर के वो आते हैं, तो अपने साथ मिट्टी के कण, ठीक है, और कई पदार्थ, मिट्टी में जितने भी विटामिन, प्रोटीन, जिंक, सल्फेट, ये सब फास्फेट पाए जाते हैं, सभी अपने साथ लेकर आती हैं। ठीक है, और जहाँ पे वो नदी जो है वो रुकती है, और वहाँ पे जहाँ पे वो रुकती है, सूखती है, जिन जिन खेतों से होकर जाती है, ठीक है, वहां पे वो क्या करती है, यानी वो मिट्टी जो है उपजाऊ हो जाता है, जहां से वो नदियां होकर जाती हैं, काफी उपजाऊ हो जाता है, उसमें कोई भी आप लोग फसल लगाओगे तो कम दवाइयों में, कम यूरिया खादों में वो फसल काफी अच्छे से तैयार हो जाता है। ठीक है, तो वो मिट्टी जहां पर इकट्ठा बिल्कुल हो जाती है, जहां पे यानी निर्मित हो जाती है, उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और ये मिट्टी काफी उपजाऊ होता है, इसमें फास्फेट की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे 12वां क्वेश्चन, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। देखिए पर्वतों पर मृदा अपरदन यानी कि मृदा का क्षरण, ठीक है, यानी जो मिट्टियां होती है वो पर्वतों पर कैसे कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, इसका
यानी इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे देखिए जो पर्वत है, ठीक है, ऑप्शन तो यहाँ पे चार दिया है, पवन, हिमनद, जल और पशु चारण। हम आप सभी को बता दें जो पर्वत है उस पे तो पशु घास चरने नहीं जाएंगे इतना ऊंचा, क्योंकि पर्वत पे चढ़ेंगे तो वो वहां से ढंगलाएंगे तो सीधे वो मर जाएंगे, ठीक है, इसलिए पशु नहीं जाएंगे। और इसके बाद हवा भी उतनी ऊपर नहीं चलती है, और चलेगी भी पर्वत पे हवा तो उसकी मिट्टी को नहीं काट पाएगी, ठीक है। और हिमनद, और न ही बर्फ के वहां नदियां बहेंगी पर्वतों पर ज्यादातर। और देखिए जो जल है यानी जो बारिश होता है भगवान के द्वारा जो जल बरसता है वो सभी जगह पर होता है, तो वो पर्वतों पर भी बरसता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे जल पानी बरसता है पर्वतों पर तो उसकी मिट्टियां जो है कट कट कर यानी कि मृदा क्षरण हो जाकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी है राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। सबसे ज्यादा काली मिट्टी जो है वो गुजरात में पाई जाती है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। जैव संसाधन का मतलब कि जीवित संसाधन, ठीक है, और जैव संसाधन अजैव संसाधन काफी इंपॉर्टेंट है। 60 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, अब जैव संसाधन का मतलब हमने आपको बताया जीवित संसाधन जिसमें जान होते हैं, तो लोहा में तो जान नहीं होता, ये निर्जीव होता है, ठीक है, और तांबा भी क्या है, निर्जीव है, चट्टाने भी निर्जीव है, लेकिन ये मत्स्य उद्योग से, मत्स्य उद्योग में मछलियां आ गई, ये क्या है, जीवित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15, सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए कोई भी बांध होता है किसी न किसी नदी पर बनाया ही जाता है, तो यहाँ पे सलाल बांध जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी पर बनाया गया है। पहला है चिनाब, ठीक है, दूसरा है सतलज, और सी ऑप्शन है महानदी, और डी ऑप्शन है कृष्णा। तो यहाँ पे चिनाब नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल पूछ रखा है, यानी रेशेदार का फसल का मतलब जो वस्त्र वस्त्र बनाने में काम आता है, ठीक है, तो चाय तो बिल्कुल नहीं, ये रेशेदार नहीं होता है, और गन्ने भी नहीं होते हैं, जूट होते हैं, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सी राइट है। जो जूट होता है इससे क्या होते हैं, वस्त्र बनते हैं, जूट, कपास, ये सब चीजों से, ठीक है, कई सामान बनते हैं जैसे सूती वस्त्र हो गए, कुछ भी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी लोगों के पास अब समय बहुत कम है, इसलिए आप सभी लोग जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप लोग तैयार कीजिए, क्योंकि एग्जाम जब आपके सर पे आ जाएगा तब आप लोग आपके लिए काफी, ठीक है, टेंशन हो जाएगा आपको, आपके लिए एकाएक पूरा भार आपके ऊपर आ जाएगा, और उस समय आप लोग जो याद रहेगा वो भी भूल जाओगे, और उन थोड़ी सी समय में भी आप सभी की पूरी तैयारी नहीं हो पाएगी सभी सब्जेक्ट का। इसलिए आप सभी लोग अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पूरे के पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पे आ रहे सभी आप लोग तैयार कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल से पढ़ने वाले हर साल स्टूडेंट न कि सिर्फ जिला टॉपर बनते बल्कि प्रदेश टॉप भी करते हैं, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को तैयार कीजिए, और अभी से तैयार कीजिए, आज आप लोग पढ़े तो कल उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिविजन कीजिए, तभी आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे नंबर लाओगे। और हम आप सभी को बता दें कि अभी आपके पास समय है, तो आपके पास समझदारी नहीं है, जब आपके पास समय नहीं रहेगा, ठीक है, तब आपके पास समझदारी आएगी, जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप लोग सोचोगे कि हाँ मुझे पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी से ही आप लोग काफी अच्छे तरीके से पढ़िए, तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में आग लगा पाओगे, पूरे के पूरे नंबर अच्छे से अच्छे ला पाओगे। 17 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है। रबी का मतलब क्या है कि गर्मी की फसल, ठीक है, तो गर्मी की फसल इसमें से कौन सी नहीं है। पहला है कपास, ठीक है, गेहूं, जौ और सरसों। तो गेहूं जो है ये क्या है, गर्मी की फसल है, गर्मी में ही इसको उगाया जाता है, जौ को भी, सरसों को भी, लेकिन ये कपास जो है ये खरीफ की फसल है, ठीक है, ये गर्मी की रबी की फसल नहीं है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। जो चाय होता है उसकी खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, सी है लेटेराइट मिट्टी, और डी है पर्वतीय मिट्टी। यहाँ पे ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 19, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, यानी मुंबई हाई जो है एक स्थान है, ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे तेल शोधन कारखानों के लिए, फिल्म सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुंबई हाई है ये तेल शोधन कारखानों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे तेल का शोधन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आता है पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा है, कोयला है, पवन ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है। तो यहाँ पे जो कोयला है ये क्या है, ये
यहाँ पे ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन जो कि मेरे तरफ से है, और ये क्या है, ये भी हो सकता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि अभी तक आप सभी लोग अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए कि नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा, नहीं अभी करने जा रहे हैं, ऑप्शन ए, ठीक है। दूसरा है सबसे पहले मैं किया हूँ, ये काफी अच्छा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सी, वीडियो देखने के बाद कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डी, हाँ कर दिए हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आप लोग खुद यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। और देखिए आप सभी लोग ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, ठीक है। आप सभी का 20 नंबर बिल्कुल पक्का है अगर आप लोग ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो। और साथ ही हमारे चैनल पे वायरल पेपर जो है सभी सब्जेक्ट का हम बता चुके, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। सभी इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी हम बता चुके हैं, सभी सब्जेक्ट का आप लोग उसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप सभी का बिल्कुल जोरों से तैयारी शुरू होने जा रहा है बोर्ड एग्जाम का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपके पास वीडियो आ पाएगी और आप लोग देख पाओगे। और इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे सामाजिक विज्ञान के, इसी तरह आएगा, ठीक है, विज्ञान का इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन, आप सभी के हिंदी का, मैथ का, इंग्लिश का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको जिस टॉपिक पे ऐसे ही वीडियो चाहिए आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।